नमस्कार, लोकमत खबर दिन भर में आपका स्वागत है। दिन की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं योगेश। AIMIM के अजदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सेना ने दिया जवाब। AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के सुंजवान में आतंकी हमले में बलिदान देने वाले सेना के 5 जवानों का जिक्र किया और उन लोगों पर निशाना साधा जो मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। इस पर सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने ओवैसी का बिना नाम लिए कहा कि हम अपने शहीदों को धर्म से नहीं जोड़ते। उन्होंने कहा कि जो लोग सेना की कार्यशैली नहीं जानते वह लोग इस तरह के बयान देते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी आरिस खान इलियास जुनैद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आतंकी बटला हाउस एनकाउंटर में आरोपी है। इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है, जिसकी काफी समय से तलाश भी की जा रही थी। पुलिस ने जुनैद के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस पर 15 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस के मुताबिक बाटला हाउस एनकाउंटर में जुनैद ने आतंकियों को भगाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा में 115 अरब रुपए की धोखाधड़ी का हुआ खुलासा। पंजाब नेशनल बैंक ने माना है कि उसकी मुंबई स्थित कुछ शाखाओं में करीब 115 अरब की धोखाधड़ी हुई है। ये खबर आने के बाद PNB के शेयर में 6% की गिरावट आ गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में राष्ट्रीय बैंक PNB के शेयर बाजार आज गिरकर 152 रुपए पर पहुंच गए। PNB के अनुसार उसकी मुंबई स्थित कुछ शाखाओं में जालसाजी वाले और अनाधिकृत लेन देन हुए। बैंक द्वारा नियामक संस्था को दी गई जानकारी में कहा गया कि इस धोखाधड़ी में खाता धारकों की मिली भगत की भी आशंका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, जनता से किए सारे वादे पूरा करने में सफल हुई सरकार। दिल्ली सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत ना पड़े। दिल्ली के CM ने कहा कि जनता टैक्स देती है तो उसे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली में पैदा होता है तो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य का सारा खर्चा दिल्ली सरकार का होगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरे करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि चाहे वह शिक्षा व्यवस्था हो या मोहल्ला क्लिनिक, सभी मोर्चों पर आम आदमी पार्टी की सरकार सफल साबित हुई है। इलाहाबाद में लॉ स्टूडेंट की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई कर रहे दलित छात्र दिलीप सरोज की पिछले सप्ताह हुई हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त विजय शंकर को नेता चंद्रभद्र सिंह के घर से गिरफ्तार किया गया। एक भोजनालय में कुछ मामूली मुद्दे पर झड़प के बाद सिंह ने 4 लोगों के साथ मिलकर सरोज पर हमला किया था, जिसके बाद 26 वर्षीय LLB छात्र कोमा में चला गया था, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए Redmi सीरीज के नए फोन। Xiaomi ने Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro स्मार्टफोन को भारत में बुधवार को लॉन्च कर दिया। Xiaomi ने Redmi Note 5 को भारत में 3GB रैम, 32GB स्टोरेज और 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के 2 वेरिएंट के साथ पेश किया। वहीं Redmi Note 5 Pro को 4GB रैम और 6GB रैम विकल्प के साथ 64GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया। इसके साथ कंपनी ने भारत में MiTV 4 सीरीज टेलीविजन भी लॉन्च की। आज दिन भर की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।